उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे चीज़ों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। सरकारी दफ्तरों का कामकाज में और गति देने के लिए अब 50% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला किया गया है। आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को 3 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली शिफ्ट प्रातः 9 से शाम 5 बजे, दूसरी शिफ्ट प्रातः 10 से शाम 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 11 से शाम 7 बजे तक होगी। सोमवार को ईद की छुट्टी है। मंगलवार से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में मरीजों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजी के मुताबिक मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैलता है। इसके बाद कोरोना वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फोन रहेंगे, जिसके द्वारा वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बातचीत कराएंगे। शनिवार को सहारनपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि अगले 72 घंटे के लिए सभी दुकानें बंद की जा रही हैं। यह अफवाह व्हाट्सएप के माध्यम से तेजी से फैली और इस अफवाह के फैलते ही लोगों में हलचल मचने लगी। सहारनपुर पुलिस ने इस अफवाह का खंडन करते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को इस साल 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यानी वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को 12 के बजाय 14 महीने की पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 87 लाख लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या करीब 2 करोड़ पहुंच गई है और इसके माध्यम से अभी तक 82 लोगों के कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की सूचना मिली है। गोरखपुर के GN नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ में कक्षा 4A के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान पाकिस्तान का महिमा मंडन करने वाली क्लास टीचर शादाब खानम को शनिवार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही शादाब के ऑनलाइन पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है।